प्रणाम। इतनी संपत्ति, लगता है किसी सुंदर लड़की से शादी करने पर शांति दे। रावण का पत्नी का नाम थी नंदन, विश्वकर्मा की बेटी। उसने जितने सुंदरता देख करके अपना बेटी को उसने बनाया था। कहता अच्छे सुरा मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। मेघनाद जैसे बेटा उसने पिताजी के लिए जीवन को दे देने वाले, लेकिन बेचैन, जिंदगी में कोई शांति सुख नहीं। सारे लंका ही बेचैन बेचैन से थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां चैन से जिंदा रहा था। बताओ तो कौन था? आप लोग लगता है सब पंडित यहाँ पर बैठे हो। केवल विभीषण वहां पर चैन से जी रहा था। बोले क्यों? बोले प्रभु राम की शरण में, ठाकुर जी के राम की शरण में गए। देखो एक संत अच्छी बात बता रहे थे, जब विभीषण जी प्रभु राम की शरण में आ गए ना, आते ही उन्होंने राज तिलक लगा दिया। भगवान राम राज तिलक लगा दिया, लेकिन रावण ने जिस लंका को पाने के लिए 10 बार उसने अपना सर को काट करके शंकर जी के चरण में दे दिया। 10-10 बार उन्होंने शंकर जी के चरण में 10 बार उन्होंने दे दिया। कितने तपस्या किया लंका को पाने के लिए, लेकिन विभीषण ने केवल एक ही काम किया, प्रभु की राम की शरण में आ गया। और अभी रावण को मारी नहीं, और मारने से पहले राज तिलक लगा दी। इतने में श्री हमारे श्री सुग्रीव भी कहता है, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? अभी रावण को मारे ही नहीं, पहले राज तिलक लगा दिया। अगर रावण अगर 1% आपका शरण में आ गए, रावण को क्या किया? आप अभी विभीषण को राज तिलक लगा रहे हो, अगर 1% रावण शरण में आ गया क्या दोगे? बताओ। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले पूरा अयोध्या उसको दे देगा रावण को। बोले अयोध्या दे देगा तो अयोध्या तो भरत को देकर के आएगा। अयोध्या का राजा भी भरत है, फिर भरत को क्या दोगे? बोले गोलोक वैकुंठ दे दूंगा। बोले अगर गोलोक वैकुंठ दोगे तो आप फिर कहाँ रहोगे? आपकी निवास स्थली कहाँ? देखो भगवान कितने दयाल हो गए। बोले मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, मेरा स्थान तो मत भक्ता जत्रा गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों का हृदय मेरी निवास। बोले ठाकुर जी इतने दयालु भगवान, इतने कृपालु। एक बार केवल प्रणाम करते हैं विभीषण, ठाकुर जी उसको पूरा लंका दे दिया। आज से तुम लंका की राजा, मतलब ठाकुर का शरण में आना कितने लाभ है, लाभ है ना। इसलिए किसकी शरण में आनी चाहिए? बोलो जोर से, ठाकुर जी के। जोर से, ठाकुर जी के। इसलिए शरण में ठाकुर जी। इसलिए और दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्त का सबसे सरल उपाय क्या? तीसरा प्रश्न है, हमें कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं उनके सारे अवतार को कथा सुनाओ। पंचवा प्रश्न है, भगवान का अद्भुत जस सुनाओ। और छठवा प्रश्न है, जब भगवान ये दुनिया छोड़कर गए फिर ये धर्म कहाँ पर आश्रय लिया? उनने उनको 6 प्रश्न किए। जब 6 प्रश्न की श्री सुत गोस्वामी बहुत खुश हो गए। बोले वाह तुमने कितने सुंदर प्रश्न की। ये प्रश्न की उत्तर में केवल हरि चर्चा होती, शिक्षा देते हैं। अगर कोई सचमुच से संत है उनको पास में जा करके बेटा की हो गया बेटी की हो गया दुनियादारी, संत कुछ नहीं होते। क्योंकि जो संत हैं वो भगवत चिंतन में रहते हैं। अगर जो भगवत चिंतन में अगर दुनिया की हमने बात की, हमने क्या की, उनको भगवत स्मरण को भुला दिया, भुला करके हमने उसको विषय में लगा दी, संत उसमें खुश नहीं होते। संत तभी खुश होते हैं जब हम हरि चर्चा करेंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, मद कथा मद कथा चिंता बोधयन्ते परस्परम तथयन्ति च नाम विद्यते दुष्यन्ति तर मतलब। कृष्ण भक्त का लक्षण कह रहे हैं, मेरे जो भक्त हैं मेरी चिंतन मेरी कथा छोड़कर और कोई बात नहीं करते। हनुमान जी को देखो दिन रात प्रभु की भक्ति में रमे हुए रहते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े खुश हो गए कि वो जो प्रश्न केवल हरि प्रश्न। तब उन्होंने बोले पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ फिर तुम्हारे प्रश्न को उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोले Bye.
कर्म का फल हमें अकेला लेना पड़ता है,
उसको पूरा अनुभूति हो जाता है संसार केवल मतलब का केवल स्वार्थ का संसार है। भगवान कहते बताओ अभी जन्म दूंगा तो क्या करोगे, बोले प्रभु कभी भी ये झूठे संसार में नहीं हो, उठते बैठते सोते तेरे भजन करूंगा भक्ति करूंगा संसार से पार हो जाऊंगा। भगवान कहते कि सच बता रहे हो ना, यहाँ पर दुख में हो इसलिए बोल रहे हो, भूलोगे नहीं, बोले कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने कहा देखो अगर कभी भूल जाओगे ना बीच बीच में उबारने के दूंगा, बोले क्या उबारने के दोगे, बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना समझना पहला बेल पड़ गया, ये संसार छोड़ने का समय आ गया जब पहले बाल पक जाए। लेकिन हम क्या करते हैं शीशा में जब देखते हैं एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते, बोले हम इतना जल्दी बुरा बुरे थोड़ी होते, फिर दूसरा बाल भी पकता है दूसरा बेल दिया उसको तभी उखाड़ दिए, अगर खिचड़ी बन गया फिर मेहंदी लगा के कलर कर देते, अरे कलर कर दे, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ अभी हमारा कुछ नहीं हुआ हम थोड़ी बुरे बने। भगवान कहते फिर दूसरा उबारने की दूंगा, बोले क्या, बोले आंख में कमजोरी आ जाएगी देखना, फिर बढ़िया बगले से लगा कर हीरो बन कर घूमते, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर तीसरा उबारने की दूंगा, बोले क्या, बोले एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर पूरा दांत टूट जाए ना फिर डेंटिस्ट के पास भी जाते, फिर 32 दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते हैं, बोले हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान बोले फोर्थ उबारने की दूंगा, बोले कौन सा, बोले दो पैर से फिर तीन पैर हो जाएगा, फिर डंडे लेकर के फिर चलना पड़ेगा, कमर तोड़ दूंगा हाथ पैर तोड़ दूंगा, अगर नहीं सुनोगे ना फिर ठीक थी उबारने की नहीं, बोले राम नाम सत्य है। ये भगवान कहते कि एक एक उबारनी की आ रही है हमारी, इसलिए समय रहते हुए हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, ये बुद्धिमान का काम है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आने नहीं चाह रहे थे कि माया हमें पकड़ लेगा, बोले माया को मैं हटाता, बोले आप नहीं हटा सकते हो मायापति कृष्ण हटा सकते हैं, कृष्ण आए माया को हटाया तो स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म ग्रहण करते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज। लेकिन वो जन्म होते ही संन्यास लेकर नहीं जा रहे थे, व्यास देव हा पुत्र कर रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, बोले कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, झूठा संसार है कोई किसकी है नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये लता पत्ता वृक्ष सभी ये तन्मय होकर के मेरे गुरुदेव विद्यमान थे, जब सबके हृदय में मेरे गुरुदेव है मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए, और इनका प्रश्न का जैसे मैं उत्तर दे पाऊ, देखो और 5-10 मिनट लेंगे तो कथा विश्राम कर देंगे। अब बताओ पहला प्रश्न क्या था, अब बताओ तो पहला प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तो उन्होंने एक श्लोक को द्वारा उन्होंने इसका आंसर देना है, हो सके तो ये श्लोकों का व्रत है, ठीक है बहुत बढ़िया श्लोक है, करोड़ रुपया की एक श्लोक है, बोले सबई पुरुषार्थ परो धर्म जत भक्ति राघव सजे आहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति, बोले जीव मात्र का परम कर्तव्य है, जीव मतलब केवल इंसान नहीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब का जीव मात्र का केवल एक ही धर्म है भगवान को प्रेम करना, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान है, कहना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम देव देव, भगवान हमारी जगतपति जगन्नाथ मर्जिता हम उनकी औलाद है, औलाद होने पर क्या करनी चाहिए, पिताजी की सेवा करनी चाहिए पिताजी की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ पिता तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है लेकिन अभी हम सबके सब पिताजी को भूले भी है बच्चे, एक उदाहरण देकर समझाए, कोई एक राजा की बेटा था, बेटा ने कोई गलती की इतने में राजा उसको डांट लगा दी तो बड़ा क्रोध आ गया पिता को छोड़कर चला गया, छोड़कर जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसने एक चाय की दुकान में काम कर रहा था, प्लेट धो रहा था और छूटे जगह को साफ कर रहा था, इतने में राजा तो बड़े दुखी, एक ही बेटा भविष्य में जो राज सिंहासन को संभालने वाले, पिताजी बड़े दुखी बेटा कहाँ चला गया क्यों मैंने डांट लगाई, तो पिता भी दुखी फिर बेटा भी दुखी क्यों, जहाँ पहले छापान ढोल छत्री से व्यंजन गाता था जहाँ राजमहल में रहता था अभी क्या कर रहा है चाय की दुकान में प्लेट साफ कर रहा है, झूठे जगह को साफ कर रहा है, इतने में मंत्री को राजा ने कहा देख मंत्री मेरे बेटा कहाँ चला गया मेरे पता नहीं,
अभी राज गद्दी को कौन संभालेगा, थोड़ा डांट लगाया तो मान करके चला गया। देखो तो अभी मंत्री ने ढूंढते 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 देखा उसको चाय की बर्तन में, वो प्लेट साफ कर रहा है। बोले हाय रे, कहां राजा की बेटा और चाय की दुकान में प्लेट साफ कर रहे, सुखा रोटी भी नसीब में नहीं। मंत्री ने, और जो राजा का बेटा है ना, ये सोचता था अगर मैं पिताजी के पास में वापस आऊं क्या पिताजी मेरे को दोबारा रखेंगे, मेरे को क्या रखेंगे, इसी वजह से वो आ भी नहीं रहा था, जाऊं कैसे पिताजी के पास में। इतने में मंत्री ने आकर के, वो किसको बोलता नहीं था राजा का बेटा, मंत्री आया उसको मित्र बन गया। जब एकदम मित्र बन गया, एक दिन मंत्री ने पूछा भैया तू है कौन, तेरे परिचय क्या है। तब उसने बताया देखो कि जो राजा है ना उसका मैं बेटा हूँ। बोले फिर यहाँ क्या कर रहे हो। बोले एक दिन मैंने कुछ गलती की तो पिताजी मेरे को साथ रख लिए और मैंने क्रोध करके मैंने अपना घर को छोड़ दिया और ये चाय की दुकान में बर्तन साफ कर रहा है। बोले तुम घर में क्यों नहीं जाते हो। बोले पिताजी मेरे को दोबारा रखेंगे फिर। बोले देख बेटा, मैं और कोई नहीं, वो राजा का मैं मंत्री हूँ। तो जितने दुखी है ना तेरे पिता, तेरे से भी ज्यादा दुखी तेरे पिता है। वो चाह रहे तो घर में आ जा, आ करके सारे राज संपत्ति को तू भी भोग करो, वो चाहते हैं। इसलिए राजा मेरे को तेरे को ढूंढने के लिए भेजे, चलो घर में जाओगे। बोले जाना तो चाहता, बोले चलो। फिर उसको लेकर के फिर पिताजी से मिला दिया तो राज महल में रहने वाले, रोज छापा में भोग 36 व्यंजन खाने वाले, आनंद ही आनंद। देखो हम लोगों को ये वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, हम साधारण घर का औलाद नहीं। हमारा जो पिता कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण हमारे पिता। लेकिन पिताजी हम कुछ गलती किया, बोले क्या की, ध्यान देकर सुनो। जब जीव सृष्टि होता है, एक तरफ में माया की जगत, एक तरफ में भगवत जगत, ये जीव ये बीच से सृष्टि होता है तटस्थ शक्ति से। इसलिए भगवान कहते देख बेटा, अगर तुम मेरी भक्ति करोगे ना सारे भक्ति संपत्ति का आस्वादन करोगे, अगर तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे ना देखे माया बड़ी दुखदायी है, फिर माया में दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन हम जितने दुर्भाग्य जीव है ना, हम भगवान की सेवा को चुना नहीं, हमने ये माया में शरण लिया है। इसलिए भगवान की जो बहिर्दा शक्ति माया ने, ये दुर्गा ने ये दुर्ग रचना किया। जेल क्यों बनाते हैं, सुधारने के लिए जेल बनती है। ये जेल में ये माया हमें डाल करके जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी दुखी हो रहे। कहते भैया ये मंत्री कौन है। बोले ये मंत्री सदगुरु, ये मंत्री है, ये सदगुरु, ये मंत्री, ये हमारे पास में आकर के समझाते हैं। बोले भैया पिताजी की शरण में चले जा, ठाकुर जी की शरण में चले जा, तेरे पिता भी तेरे लिए दुखी है। लेकिन जब हम ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं, वास जीवन में परम शांति और परम आनंद प्राप्त करते हैं। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपत्तु बहुते पुनर्जन्म न पृथ्यते, अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे परम शांति और परम सुख को पाओगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर हम जीवन में शांति और सुख चाहते हैं क्या करो, ठाकुर जी की शरण में जाओ। और ठाकुर के चरण में तो चले गए, फिर करना क्या, ये दूसरी प्रश्न है। कलयुग में भगवत प्राप्ति की सरल उपाय क्या, इसलिए कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा, क्या रखा, भले कलयुग के बलना महाधारा, कलयुग के बलना Yeah.
हमारे मन इतने चंचल, इतने चंचल मन हमारी एक मिनट भी प्रभु की चरण में लगना पड़ा था। पहले तपस्या करते थे साल साल तक, वाल्मीकि का नाम सुने हो, शरीर दीपक हाथ उठा कर बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना कर दो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है सब के सब खड़े हो जाओ। अभी अभी ये भजन में सब नाच रहे हैं। ठीक है कल शाम को भी बड़े जोर जोर से नाचे जो भगवान की भजन में नाचेगा ना, अरे ये माया के सामने कभी नहीं नाच सकता।